मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष का गतिरोध जारी है। आज छठे दिन भी संसद की शुरुआत जोरदार हंगामे से हुई, लेकिन यह परंपरा उचित नहीं है, जिसके चलते 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती। उधर अविश्वास प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद विपक्ष ने ब्लैक विरोध का ऐलान किया था, जिसके चलते आज विपक्षी दलों के सभी नेता काले कपड़ों में संसद पहुंचे हैं। सारे ही जितने इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के तमाम साथी सांसद हैं, उन सब ने ये फैसला लिया है कि मणिपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे जो बर्बरता भरा, हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में हम लोग आज काले वस्त्र पहन के, ब्लैक ड्रेसेस पहन के आज सदन के भीतर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और एक प्रकार से सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देंगे कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ निभाओ, अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति भाईचारा बहाल करे और आज की जो वहाँ सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करे, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करे। हम लोग तो विरोध करते हैं, जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी हमारे, हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे, इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े, क्योंकि देश की सामने देश की प्रधानमंत्री आके मणिपुर की और साथ साथ देश के आम लोगों को कोई शांति की वार्ता दे। ये स्पीकर की जिम्मेवारी है, मैं तो ये नहीं कह सकते कि आज ही, कल ही होना चाहिए था, अच्छा होते, अगर आज होगी तब भी अच्छा होगी, जितने जल्दी हो सके, क्योंकि हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहते सदन की। बड़े तहे दिल से कहते हैं कि हम विपक्ष सारे लोग दूर गांव से आते हैं, दूर दराज गांव से आते हैं, इसलिए कि सदन में आके हम शिरकत करें, हमारा बात रखें, आम लोगों को जो समस्याएं, ये सारे समस्याओं को सरकार की निगाहों में रखें, यही हमारा मकसद होते हैं। ये तो हवा खाने हम लोग नहीं आते हैं ना, और हमारे कोई सरकारी दफ्तर भी नहीं होगा जाके हम बैठे और मतलब वहाँ आपस में चर्चा करें, हमारे चर्चा करने की एक ही जगह है बिल्कुल रह गया, वो सदन। तो सदन अगर ठप रहे तो हमें भी मुश्किल में फंस, हमें भी मुश्किल से गुजरने के, हमें भी मजबूरी हो जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं सदन चले।